आज कैबिनेट ने पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी। इसके लागू होने पर पेस्टिसाइड्स की कीमतें कंट्रोल की जा सकेंगी। बिल में सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। नए नियमों के तहत केमिकल की क्वालिटी, मार्केटिंग और पैकेजिंग के नियम सख्त होंगे। इसमें पेस्टिसाइड से बचाने के लिए भी प्रावधान है। नियम तोड़ने पर 25,000 से 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। इधर सरकार कर्ज तले डूबी एयर इंडिया को बेचने की पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर उसके कर्मचारियों में अपनी नौकरियों को लेकर डर बैठ गया है। क्या विनिवेश के बाद कर्मचारियों की नौकरी पर कोई खतरा है? क्या एयर इंडिया विनिवेश के बाद दोबारा वो रसूख हासिल कर पाएगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब दिए एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस संवाददाता सौरभ पांडे ने। And it's a national carrier, still the largest airline in the country. Hindustan ki sabse badi airline hai. Aur it flies to 42 destinations. It had a great culture. That is what, वो चीज़ आप देख सकते हैं इस एग्जीबिशन में। क्या जबरदस्त चीज़ थी एयर इंडिया, क्या जबरदस्त इसका कल्चर था। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने पूरा शोकेस किया है एयर इंडिया के कल्चर को, जहाँ फ्लाइट से लेकर कैबिन क्रू तक को, तो कहीं ना कहीं क्रू में जो है थोड़ा सा डर दिख रहा है जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर है, उस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, कोई डर की बात नहीं है, हमारा स्टाफ भी जानता है कोई डर की बात नहीं है। तो अगर सर अगर बात करें रिसीवेबल्स की, तो रिसीवेबल्स की सरकार की तरफ से क्या जो है स्थिति है, और जो ऑयल को लेके जो आपको ड्यूज में रहे थे, उस चीज़ को क्या बात कर रहे हैं? डूइंग व्हाटएवर, जो भी जितना भी बेहतरी पॉसिबल है उतना हम लोग कर रहे हैं। रिसीवेबल्स हैं उनको चेस कर रहे हैं, जो पेवेल्स हैं उनको पे किया जा रहा है। वो तो एयरलाइन तो चल रही है, बढ़िया चल रही है। सर, अगर बात की जाए लेगेसी की, तो किस तरह से, जिस तरह से आपने बताया था कि एयर इंडिया जो है एक लेगेसी है, तो आने वाले भविष्य में आप उसको किस तरह से देखना चाहेंगे? आज एग्जीबिशन में घूमे तो आपको पता चलेगा कितनी रिच लेगेसी है। वो लेगेसी रिडीम होगी फ्यूचर में, और बेहतर चलेगी तो रिडीम होगी। मंदी के शोर के बीच इंडस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया, इस पर नेस्कॉम के चेयरमैन केशव मुर्गेश ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि इंडस्ट्री ने 6.7% की ग्रोथ हासिल की है। कोरोना वायरस के संकट का इंडस्ट्री पर फिलहाल कोई असर नहीं है। इस साल मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी रोबस्ट था। हमारा नंबर जो हम लोग अभी डिक्लेयर किए हैं, उसमें से ये डायरेक्ट आता है कि 8% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है अभी हमारा इंडस्ट्री का। 205,000 नेट न्यू जॉब्स क्रिएट किए हैं हम लोग, और क्लोज टू 1 मिलियन पीपल लोग हम लोग ने ट्रेन किए हैं डिजिटल स्किल्स में। और मेरे ख्याल से जब इतना बाहर अनसर्टेंटी है, ये इंडस्ट्री बहुत स्टेबल रहा है इस साल में। जो कोरोना वायरस आया, उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हुई हैं, कई सारी इंडस्ट्री अफेक्टेड हुई है, क्या इस इंडस्ट्री को भी इफेक्ट हुआ? फिलहाल अभी तक हम लोगों का काफ़ी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ के ख्याल देख रहे हैं, और हमारा फोकस उस पर है और ध्यान उस पर है। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कि ये कोरोना वायरस लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, मगर डायरेक्टली में ये इंडस्ट्री पर कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हर बिजनेस ग्लोब में अभी टेक बिजनेस बन गया है, और इसीलिए इंडियन आईटी पीपल और इंडियन आईटी सॉल्यूशंस और डिजिटल सॉल्यूशंस का डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी इस सेक्टर को काफ़ी जॉब मिल रहा है, मतलब किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को, और कहाँ पर देखते हैं इन सारी चीज़ों? हमारे ख्याल से ये इंडस्ट्री में इतना चेंज हो रहा है और इतना डिमांड आ सकता है, क्योंकि हर ग्लोबल बिजनेस अभी टेक बिजनेस हो गया है। लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस काफ़ी अलग रहेगा पिछले सालों से, और जो कंट्री टैलेंट में इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म में, उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा।